नमस्कार दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं मिशन पॉजिटिव यूपीएससी। मैं आपका अपना बॉबी। आज हम क्या करने वाले हैं, द हिंदू के जो न्यूज़पेपर है उसमें द हिंदू के से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो हमारे परीक्षा से या करंट अफेयर के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण खबरें, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती थी, उनको हम क्या करते हैं आराम से निकाल कर उनके ऊपर नोट्स बना के डिस्कस से चर्चा करते हैं, ताकि वो विस्तार से उस खबर के बारे में हम जान सके। तो आज के हमारे जो कुछ वीडियो में रूपरेखा होने वाली हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें होने वाली हैं, वो तीन हैं। पश्चिम बंगाल में जो रेप बिल है इससे संबंधित, अर्थव्यवस्था और विश्व बैंक से संबंधित, और तीसरी हमारी निकाम कर है। इन तीनों खबरों पर आज हम विस्तार से पूरे नोट्स के अकॉर्डिंग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहली खबर पर हम चर्चा करते हैं। पहली खबर हमारी क्या है, पश्चिम बंगाल रेप बिल। ये आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में 4 सितंबर के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर मिलेगी आपको। बहुत छोटी सी खबर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है हमारे लिए। तो पश्चिम बंगाल रेप बिल, खबर क्या थी, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से रेप को लेकर एक विधेयक पास किया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके द्वारा एक ध्वनि मत के द्वारा रेप को लेकर एक विधेयक किया गया, एक कानून बनाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य है राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना। उद्देश्य क्या है, राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, इनके लिए बेहतर पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना सुरक्षा के लिहाज से। अब आप बात करते हैं, विधेयक की बात हुई है तो विधेयक क्या है, यहाँ पर हम विधेयक पर बात करते हैं। तो देखिए विधेयक क्या है, विधेयक की जानकारी के लिए हम पढ़ते हैं। विधेयक अपराजित महिलाएँ, कैसी महिलाएँ, अपराजित महिलाएँ एवं बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो अडल्ट नहीं हैं, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन। इन्होंने क्या करा, जो हमारी जो कानून थी उसमें आपराधिक कानूनों को संशोधन किया गया, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, विधेयक 2024। अब इस विधेयक के अंदर बात क्या क्या की गई, थोड़ा इस पर बात करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएँ, जो BNS की धाराएँ हैं, इसमें बदलाव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए, जैसे कि उसमें बताया गया कि अगर रेप, तो पहले जो हमारी CRP की धाराएं होती थी, उस CRP की धारा में जो रेप की सज़ा थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल या उम्र कैद तक होती, लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें संशोधन करके क्या करा है, इसमें डेथ को भी डिक्लेयर करा है, और ये भी कहा कि अगर रेप के समय किसी व्यक्ति की, किसी महिला की ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसकी या तो मौत हो जाती है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में चला जाती है, तो उस केस में उस व्यक्ति को डायरेक्ट मृत्यु का प्रावधान किया गया है। और आपको पता है कोलकाता डॉक्टर जैनी केस में, तो इसमें मेरे जो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में जो पश्चिम बंगाल ने बदलाव किए हैं, उसके हिसाब से मृत्यु की सज़ा का प्रावधान किया गया। अब विधेयक के तीन प्रमुख घटक क्या थे, उन बातों की विधेयक किन तीन बातों पर जोर देने वाला है। तो सबसे पहला जो घटक था वो सज़ा में बढ़ोतरी, यानी कि जो यौन संबंध है या महिलाओं से संबंधित जो भी आपराधिक कानून है उसमें जो सज़ा है, इसकी सज़ा को और बढ़ा दिया जाए। दूसरा, शीघ्र जांच, यानी कि इसमें एक बढ़िया है कि इसके अंदर बताया गया कि जल्द से जल्द जांच पूरी करें, यानी कि 21 दिन में वहाँ की पुलिस अधीक्षक को ये जाँच पूरी करके देनी है। त्वरित न्याय, यानी कि जांच पूरी होने के बाद जल्द ही न्यायालय द्वारा उसे निर्णय दिया जाना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति इस कानून के आपराधिक में पाया जाता है तो उसे कम से कम 8 से 10 दिन में फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खबर नंबर 1 समाप्त होती है। अब हम खबर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर नंबर हमारी 2 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था और विश्व बैंक, ये भी आपको पेज नंबर 1 पर मिल जाएगी, खबर थोड़ी ज़्यादा चर्चा में लगाएंगे। तो सबसे पहले खबर क्या है उसे बात कर लें। विश्व बैंक द्वारा हाल में भारत के आर्थिक विकास और संभावना को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। तो खबर यही है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसने भारत के अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स विकास की जो संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, इसीलिए खबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। अब वो विश्व बैंक का विकास पूर्वानुमान क्या कहता था, तो विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था हेतु अपना कुछ एक पूर्व, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने भारत के विकास के अनुमान के लिए पूर्व अनुमान किया था कि 6.7 की दर से भारत ग्रो कर सकता है, लेकिन पहले अनुमान से बढ़कर अभी जो इस रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की वो 7 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारी विश्व बैंक की जो रिपोर्ट थी उसमें बदलाव हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके कारण क्या होंगे, इस पर हम थोड़ा विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है, चर्चा करते हैं। देखिए कारण क्या रहे होंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कारण क्या है, सबसे पहला ये कारण है बुनियाद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, यानी कि जो इंटरसेक्शर है इस वाले ढांचे में निवेश को बढ़ोतरी मिली है। रियल इस्टेट में घरेलू निवेश बढ़ा, बेहतर विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 की वृद्धि देखने को मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो विकास दर है वो बढ़ सकती है। आपको पता होना चाहिए भारत का जो सबसे ज़्यादा विकास डेवलपिंग या इकोनॉमिक्स में अगर किसी सेक्टर का जो योगदान है वो टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का और एग्रीकल्चर का ज़्यादा है। आपको पता है भारत की आज भी, पहले भारत को किसी प्रधान क्षेत्र कहा जाता था, देश कहा जाता था, क्योंकि भारत की 75% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती थी। इसीलिए यहाँ कहा गया इस देश में कृषि प्रदर्शन खराब रहा। अब कारण क्या था, एक तो इनमें बेहतर विनिर्माण, दूसरा कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन खराब रहा, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है इसमें हमारी जो प्रेजेंटेशन रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। थोड़ा शहरी बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, तो शहरी बेरोजगारी, महिला शहरी बेरोजगारी में सुधार हुआ है, यानी कि जो वोमेंस अनएम्प्लॉयमेंट होती थी यू अर्बन एरिया में, तो महिला एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में सुधार हुआ है, जो कि 8.5% पहुँच गई है, जबकि युवा बेरोजगारी 17% स्तर तक बढ़ गई। कौन सी, युवा शहरी बेरोजगारी 17% जो कि अभी तक की सबसे हाई लेवल यानी कि उच्च स्तर को प्राप्त कर चुकी। अब भारत के विकास के लिए किन क्षेत्रों को चाहिए, तो भारत अपनी व्यापार क्षमता का विस्तार करके विकास को बढ़ावा दे सकता है। अब विकास को व्यापार क्षमता का विस्तार करना, तो सबसे पहला हमें जो हमारा सेकेंड क्षेत्रक है यानी कि द्वितीय क्षेत्रक है, जिसे हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, उसमें विकास करना होगा, तभी जाके भारत व्यापार क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी खबर नंबर 2 समाप्त होती है। अब हम आते हैं खबर नंबर 3 पर। खबर नंबर 3 हमारे निगम कर से संबंधित है, और ये भी आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10 पर देखने को मिल जाएगी। खबर क्या थी, खबर यह थी कि महामारी की शुरुआत से पूर्व यानी कि जो कोविड-19 आया इससे पहले भारत और अमेरिका में निगम कर में कटौती कर दी थी, यानी कि भारत और अमेरिका ने निगम कर में कटौती कर दी थी। अब आपको पता होना चाहिए निगम कर क्या है, निगम कर ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर आपके अधिकार क्षेत्र में, जिस प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में या जहां भी वो अपना व्यापार चला रही है वहां पर उसको जो टैक्स देना रहता है, जो उसका टैक्स होता है उस पर कमी कर देते, उसके दरों में, कर की दरों में कमी करना। तो इसके क्या प्रभाव पड़ा, विश्लेषण करते हैं। तो हम भारत हैं तो भारत के प्रभाव से पड़ेंगे, अमेरिका का इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता, तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े वो बात कर लेते हैं। सितंबर 2019 कॉर्पोरेट्स के लिए कर दरों में कटौती की गई थी। सबसे पहले कब की गई थी, तो 2019 में कॉर्पोरेट टैक्सों के लिए क्या किया गई थी, करों में कमी, इनकी यानी जो इनकी दरें थी उसमें मौजूदा कंपनी जो पहले से भारत में उपस्थित है उनकी जो 30% जो दरें थी उससे घटाकर उसे 22% कर दिया गया था, जो नई कंपनी आएगी जो 25% थी उसको घटा के 10% की रेट पे कर दिया था। ये इसलिए किया गया था कि भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्योंकि अगर करों में कमी होगी तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में क्या हो सकता है, निवेश होगा, जिससे कि बेरोजगारी घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इसके परिणाम क्या है, 2020-21 में लगभग 1 लाख करोड़ का कर राजस्व घटा, यानी कि 2021 और 20 के जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें एक करों में कमी करने से लगभग 1 लाख करोड़ का कर राजस्व का घाटा हो गया, कम मिला है। PLF यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर नियमित वेतन रोजगार वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017 से 18 में 22.8% से गिरकर 2023-24 में 20.9 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा डाटा गिरता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हो, हर एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें।